हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्ड, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑल्सो डाउट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक। वी डिस्कस विच टॉपिक लाइक इंट्रोडक्शन, यूजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटर्स मीन्स URLs, and search engine, and which types of a search engine, what is a search engine, and which types of search engine we can use to search any website and any topics. In search engines, using search engines to access information, finding people on the internet, and web, different types of web services, with electronic mail, email address, advantage and disadvantage of a mail, how to create an email account and how to compose send emails, how to open the receive and email addresses, and how to delete an email account, and how to delete an email messages, and how to move an email messages, and how to add a folder to your mailbox, and uploading or sending email attachment, downloading or receiving email attachment. So students, in sab ke bare mein hum last class mein discuss kiye the. तो आज का जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है, टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक इज चैट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द चैट, व्हाट इज द चैट। तो एज यू नो अबाउट चैट, चैटिंग मीन्स होता है आपका कि टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम। मीन्स चैट का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो कि आपके उसी टाइम पर, वो भी क्या हो, इंटरनेट के थ्रू, वो ऑनलाइन हो। ठीक है, जब वो ऑनलाइन होगा उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, और वो भी इंटरनेट के थ्रू, तब आप जाकर के उससे कम्युनिकेट कर सकते हो एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में, एज अ जो भी आपको सेंड करना हो, इमेजेस सेंड कर सकते हो आप, वीडियो सेंड कर सकते हो आप, तो डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, आप ये सब आप चैट के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये सब वर्क आपका एक नेटवर्क के थ्रू होता है। जो ये नेटवर्क होता है, मैंने बताया था आपको कि वो नेटवर्क क्या, इसको फॉलो करता है आपका TCP/IP को। तो आपके जितने भी आप नेटवर्क का यूज करोगे, आप चाहे इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप चाहे चैटिंग कर रहे हो आप, या फिर कुछ भी आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, या आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है, एक नेटवर्क का यूज करता है जिसे हम कहते हैं, या फिर एक प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसे हम कहते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज करता है वो। और फिर जाकर के आपके डेस्टिनेशन को फाइंड करने के बाद उस डेस्टिनेशन तक आपको वो पहुंचाता है। ठीक है, तो सेम इस तरह आपके चैट में भी होता है कि जब आप कोई भी मैसेजेस करते हो या रिसीव करते हो, तो ये सब आपका टीसी एक नेटवर्क के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं TCP/IP, मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको ये फॉलो करता है। और फिर आप उसी नेटवर्क के थ्रू आपको मैसेज रिसीव होता है और आपको मैसेज सेंड होते हैं। इसमें कई सारे ऐप आते हैं आपके, ठीक है, जिनका आप यूज क्या करते हो, चैटिंग के लिए करते हो वो सब चैट। और इसमें क्या होता है कि ये सब जो ऐप होते हैं आपको कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती हैं कि जिससे कि आप मैसेज तो कर सको एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में, आप अपनी वीडियो भी सेंड कर सकते हो, ऑडियो भी सेंड कर सकते हो, आपने व्यू रख सकते हो आप, या फिर अगर आप किसी से चाहते हो कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम फेस टू फेस बात कर सकते हो, ये सब फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है हर एक ऐप पर। और वो ऐप कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं, पहला आपका स्काइप हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया आपका, एंड और भी कई सारे जो भी हैं आपके, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गए, ये सब आपके एक चैट की वेबसाइट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप टेक्स्ट के मैसेज तो आप सेंड कर सको, साथ ही साथ आप ऑडियो वीडियो एंड साथ और वीडियो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हो। हर डे बाय डे इसे मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है, और इसका यूज रियल टाइम में किया जाता है कि ताकि जो भी लोग हो वो ऑनलाइन रहे, और उन जो भी अगर इससे भी आपको बात करना वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। जब दोनों सेम टाइम पे ऑनलाइन रहेंगे तभी आप उनसे टॉक कर सकते हो, बातें कर सकते हो, अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, उनकी मैसेज को रिसीव कर सकते हो। अब सपोज मान लीजिए अगर आपको ये चैटिंग करनी है, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सबसे पहली बात तो आपके पास इन जो ऐप मैंने बताया वो सब होना चाहिए।
जिनसे भी आप किसी एक से करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप सभी से करो, ठीक है। बहुत लोग मोस्टली होते सब कुछ रखे रहते हैं लेकिन मोस्टली एक का ही यूज करते हैं। तो जैसे लाइक आप व्हाट्सअप आप लोग यूज करते हो, व्हाट्सअप में क्या होता है कि सबसे पहले आप उसमें अपनी आईडी जनरेट करते हो, आप एक आईडी जनरेट करते हो, उसमें आपका पासवर्ड भी रहता है। तो वो सब आप क्रिएट करने के बाद ही आप अपनी उस वक्त व्हाट्सअप यूज करते हो, उसमें अपना डिटेल देते हो, अपना नेम, व्हाट्सअप नंबर या सॉरी मोबाइल नंबर, एंड अगर उसमें पासवर्ड मेंशन करते हो, आप किस कंट्री को, डेट ऑफ बर्थ, वो सब मेंशन करने का पूरी डिटेल देने के बाद ही आप जाकर के व्हाट्सएप का यूज कर पाते हो उसमें, ठीक है। इसी तरह आपका स्काइप होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है। पहले तो उसे आप स्काइप ऐप को डाउनलोड करोगे आप, या फिर अगर आप चाहते हो अपने सिस्टम पर रखना, मोबाइल पर भी रखना चाहते हो, तो ये सब आप ये एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक तरह से जो कि आपका इसमें आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर्स पर आप उसके बाद जैसे ही डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे फिर अपने अकाउंट को क्रिएट करते हो, एंड क्रिएट करने के बाद उसमें अपना नेम पासवर्ड सब कुछ देते हो, आप मोबाइल नंबर देने के बाद फिर हम इसका यूज करते हैं। जब आप यूज करोगे तो इसमें आप जितने भी पर्सन को ऐड रखोगे अपने अकॉर्डिंग, जिसको आप जानते हो उन्हीं पर्सन को आप ऐड रखते हो, आप अगर आप चाहते हो अननोन पर्सन को भी तो आप कर सकते हो, बट लेकिन हमेशा मोस्टली ये हमेशा किया जाता है कि जो भी हमें हम जिसको जानते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ऐड करें, नहीं तो बहुत सारे होते हैं जैसे कि हैकर्स भी उसका लाभ उठा लेते हैं आपका कि आपने क्या किया उसको ऐड कर लिया तो वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये सब होता है जिसकी मतलब फ्रॉड में ज्यादा इसका यूज होता है आजकल के अगर हम बात करते हैं इस टाइम की। तो मोस्टली क्या किया जाता है कि हम उन्हीं को ऐड करते हैं जिनसे हम चैट करना चाहते हैं और जिनको हम जानते हैं, अननोन पर्सन को से आप दूर रहिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उनको कभी भी आप उनसे चैट मत करिए या उनसे को कभी अपने अकाउंट से ऐड मत करिए, ठीक है, ये सब होता है। इसमें ज्यादातर अगर आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, फैमिली को भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, उनसे अपनी डिस्कशन कर सकते हो अपने बारे में, उनके बारे में आप जान सकते हो, आप उनका हाल चाल दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। उनको अगर कोई मैसेज देना हो या कोई वीडियो दिखानी हो, इमेजेस दिखानी हो, तो वो सब आप उनको सेंड करके इस ऐप के थ्रू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप हैं आप उनको आप शो कर सकते हो, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मैंने बताया आपको टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट में आपका होता है टेक्स्ट चैट, जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं आपका मैसेंजर है, मैसेंजर में क्या करते हो आप मैसेज थ्रू आप टेक्स्ट मैसेजेस देते हो आप, और उसमें भी आप दे सकते हो, आप जो चाहते हो सब काम कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप सिर्फ एक मैसेज के थ्रू जो भी आप सेंड करते हो, ठीक है। जैसे आपका मैसेंजर है आपके हर एक मोबाइल में होता है कि मैसेज आप क्या करते हो सेंड करते हो आप एक टेक्स्ट के फॉर्म में, वहां पे हम ऑडियो वीडियो ना कोई इमेज हम सेंड कर सकते हैं, सेंड उसमें भी होता है, बट आप ऑडियो नहीं सेंड कर सकते, सॉरी वीडियो सेंड नहीं कर सकते हो आप, ठीक। फिर अगर हम ट्रांसमिटिंग फाइल्स अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको चैट के थ्रू आपको कोई भी फाइल आपको ट्रांसफर करना हो तो आप फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर इसमें आता है एक ग्रुप चैट आपका आता है, जैसे ये ट्रांसमिटिंग फाइल हो गया आपका। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप चैट की, तो ग्रुप चैट में क्या होता है आपका कि आपके कई सारे, जैसे कि आप एक क्या करते हो ग्रुप बना लेते हो जिसमें आप चाहते हो कि आप उसमें कई सारे नंबर ऑफ पर्सन रखो, और आप चाहते हो कि आपने एक मैसेज दिया तो वो क्या हो सबको वही चीज सब उसकी कॉपी सभी के मोबाइल पर चली जाए या सभी को रिसीव हो जाए। जैसे लाइक अगर आप व्हाट्सएप पे हो आप, तो आप क्या करते हो एक ग्रुप आपकी होती है जो कि क्लास ग्रुप बना हुआ है, जब कोई टीचर या स्टूडेंट मैसेज करता है वो सबके मोबाइल में चला जाता है और वो सबको शो होता है, ठीक है। अगर कोई चाहे ग्रुप डिस्कशन करना चाहे तो उसमें सब कोई मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि अगर फैमिली मेंबर्स का भी अपना ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का अपना ग्रुप होता है, तो इस तरह के ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं स्काइप पर भी और जितने भी ऐप्स हैं वो सब, और आप व्हाट्सएप पे भी अपना ग्रुप बनाए हुए हो वो सब आप यूज करते हो, आप लोग जानते हो कि हम ग्रुप में क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो इसमें हम ज्यादा हम बताना नहीं चाहेंगे, आपको खुद ऑलरेडी पता है आपको। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडेंट, व्हाट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एट अ डिफरेंट साइट बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो वीडियो डेटा। मीन्स आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है जो एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता है दो या दो से अधिक
पार्टिसिपेंट के बीच जो कि आपके ऑनलाइन होते हैं और उसमें कंप्यूटर के नेटवर्क का यूज करके आपके उसमें ऑडियो और वीडियो को डेटा को ट्रांसफर आप कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें हम उस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम ऑडियो और ऑडियो वीडियो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप क्या करते हो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जैसे मीटिंग अटेंड करते हो आप, तो आप क्या करते हो, आपने एक वीडियो बना दिया, ठीक है, जैसे ये हो गया जो कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, तो ये क्या है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होता है। लाइक एग्जाम्पल हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, आप लोगों को ऐड करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपकी बातों को हम सुनते हैं और आप हमारी बातों को सुनते हो। तो ये सब हमारा क्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है कि और इसमें क्या नेटवर्क का यूज किया जा रहा है जिसमें कि हम अपनी बातों को आपको समझा रहे हैं और आप हमारी बातें सुन रहे हो। और इसमें अगर हम चाहिए सब कुछ क्या और एक ऑडियो एंड वीडियो को सुन, आप क्या करो वीडियो देख रहे हो और हम आप हमारी बातों को सुन रहे हो, तो एक तरह से ऑडियो हो गया और जो हमको आप देख रहे हो तो एक तरह से वीडियो हो गया, ठीक है। तो दोनों का यूज आपके नेटवर्क के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप वर्क करते हो इस तरह से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है सोशल नेटवर्किंग। स्टूडेंट एज यू नो अबाउट व्हाट इज द सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन टू स्पेसिफिक ग्रुप। मीन्स ये क्या होता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई इंडिविजुअल ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें हम बहुत सारे वर्क करते हैं। जैसे लाइक अगर मैं न्यूज देखना हो, फेसबुक हो गया एक तरह सोशल नेटवर्किंग है, हमें कोई अपडेट देना हो, अपने मेंबर्स को ऐड कर उनसे कोई कम्युनिकेशन करना हो या बहुत सारी चीजें उनके व्यू के बारे में जानना हो, वो सब चीजें हम इसमें शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस सोशल नेटवर्क के थ्रू अपने अपना न्यूज देख सकते हो। आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू न्यूज ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कई सारी चीजें आते हैं जो कि आप सोशल नेटवर्क के थ्रू आप वर्क कर सकते हो अपने अपने। और सोशल नेटवर्किंग जो भी जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, नेटलॉग हो गया, बायल ब्लॉग हो गया, ये सब क्या है आपके सब सोशल नेटवर्किंग के टाइप्स हैं जिसका हम यूज कम्युनिकेट करने के लिए या किसी अननोन पर्सन को जानते हैं उसे जानने के लिए या फिर कोई मतलब आप जैसे जानते हो नोन पर्सन जानते हो उनसे डिस्कस करने के लिए, चैटिंग करने के लिए या अपने व्यूज को शेयर करने के लिए या आप कह सकते हो उसमें ऑडियो वीडियो जो भी आप शेयर करना चाहते हो वो सब हम इसमें इस नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मायल से बहुत दूर दूर से लोग होते हैं जिसमें कि आप उनसे ही बातें कर सकते हो या आपके कोई रिलेटिव हैं जो कि काफी ज्यादा दूर हैं, ठीक है, तो आप इसके थ्रू आप उनको ऐड करके आप उनसे भी चैट कर सकते हो, वो सब काम इस पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है इन सब पे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूजनेट की, तो यूजनेट क्या होता है हमारा, तो यूजनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड डिस्कशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। मीन्स एक तरह से ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर होता है जो कि आपके इंटरनेट पर डिस्कशन सिस्टम के आधार पर ये बनाया जाता है जिसपे आप डिस्कस कर सकते हो जिस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल ग्रुप सेटअप बाय इंटरनेट। मीन्स आपका एक स्पेशल ग्रुप होता है जो कि इंटरनेट के द्वारा सेटअप किया जाता है यूजर ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट एक्टिविटी टू साइंटिफिक रिसर्च। मीन्स इसमें क्या होता है कि यूजर्स को एक एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए और उससे वो क्या करते हैं उस टॉपिक रिलेटेड उस पर वो डिस्कस करते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ टॉपिक्स इन यूजनेट आर कॉल्ड न्यूज ग्रुप, जिसे हम कहते हैं क्या इस टॉपिक को यूजनेट को ही हम न्यूज ग्रुप भी कहते हैं। यूजनेट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूज ग्रुप ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स सेंड बाय इंटरनेट यूजर। मीन्स ये क्या होता है कई सारे न्यूज ग्रुप का कलेक्शन होता है और जिसमें अगर हम चाहते हैं अपने थॉट्स या उसमें आप कोई भी आर्टिकल्स रखना चाहते हैं सेंड करना चाहते हैं तो इंटरनेट के थ्रू यूजर्स क्या करता है उसमें अपने आर्टिकल्स थॉट्स वगैरह सब कुछ सेंड कर सकता है। अब कैसे हम यूज नेट को एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए हम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड अ न्यूज रीडर एक्सेस यूजनेट। मीन्स यूजनेट को एक्सेस करने के लिए आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं न्यूज रीडर विच हेल्प अस हैंडल द वॉल्यूम ऑफ न्यूज अवेलेबल ऑन यूजनेट, जो कि आपको हेल्प करता है और हैंडल करने में मदद करता है कि कितने आपके वॉल्यूम मतलब कितने न्यूज के कितने डेटा है और जो कि आपके यूजनेट पर अवेलेबल है। फिर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, आई होप यूजनेट आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं न्यूज ग्रुप की, तो न्यूज ग्रुप क्या होता है आपका, तो स्टूडेंट्स ये आपका होता है वेरियस ग्रुप्स ऑफ टॉपिक इन यूजनेट आर कॉल्ड न्यूज ग्रुप। मीन्स इसमें आप न्यूज ग्रुप में कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी अवेलेबल होगी ऑलरेडी न्यूज ग्रुप पर, ठीक है। एंड
Usenet is a forum in which people share news on a defined topic through a large electronic bulletin board on internet. Means Usenet क्या होता है, आपका एक फोरम होता है जिसमें लोग क्या होते हैं अपने न्यूज को शेयर करते हैं या फिर किसी टॉपिक रिलेटेड उसको एक लार्ज रूप में, या कोई टॉपिक होती है उससे बड़े उसकी कोई रिलेटेड उनसे इंफॉर्मेशन होती है जो कि उसको न्यूज ग्रुप में आप क्या करते हैं उसे पोस्ट करते हैं इंटरनेट पर. ये आप यूजनेट न्यूज ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज इन टू अ वेरियस कैटेगरीज में, जो कि आपका ये कई सारे कैटेगरीज में आपका डिवाइड होता है न्यूज ग्रुप्स, जिसे हम कहते हैं हायरार्कीज जिसे हम जानते हैं. और ये होते कौन कौन से आपके हैं, स्टैंडर्ड न्यूज ग्रुप आपके होते हैं, सेकेंड होता है अल्ट न्यूज ग्रुप होता है, एंड थर्ड होता है आपका बिज न्यूज ग्रुप. अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है आपका कि ये एक हाईली क्वालिटी का आप इसमें डिस्कशन किया जाता है. जो न्यूज होती है वो हाई क्वालिटी की होती है. जैसे कि अगर लाइक अगर आप चाहते हो कोई भी चीजें अगर विच कैन नॉट बी एस्टैब्लिश विदाउट अ फॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर, ये क्या करता है आप कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है फॉर्मल जो भी टास्क की उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता. जैसे लाइक अगर आप छोटा सा कोई व्यू दे रहे हो या कोई आप पोस्ट कर रहे हो तो उस चीज को ऐसा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी जैसे लाइक कोई पर्टिकुलर किसी चीज की इंपॉर्टेंट चीज, जैसे लाइक किसी की इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन पर्पज रिलेटेड, उन सब चीज को ये क्या करता है एक्सेप्ट करता है. टॉप लेवल स्टैंडर्ड न्यूज ग्रुप हायरार्कीज आर डिस्क्राइब्ड, मीन्स जो कई सारे जो आपके हायरार्कीज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइक कंप्यूटर इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको न्यूज ग्रुप में मिल जाएंगी. एंड साइंस, साइंस रिलेटेड ये सब क्या हायरार्की नेम से ये आपके हैं साइंस है आपका, इसके अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी साइंस रिलेटेड जो भी आपकी टॉपिक होगी वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे. आप डिस्कशन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो. आप सोशल ग्रुप्स होते हैं आपके उसमें भी आपको कई सारे आप मिल जाते हैं. तो ये सब आपके क्या है हायरार्की नेम है जिनका हम यूज हम न्यूज ग्रुप में करते हैं. एंड सेकंड अगर हम बात करते हैं न्यूज ग्रुप, दिस इंक्लूड्स द डिस्कशन विच कैन बी एस्टैब्लिश बाय एनीवन विद द रिक्विजाइट टेक्निकल नॉलेज. मीन्स ये जो आपका होता है ये इसमें जो है जो भी डिस्कशन इंक्लूड किया जाता है वो किसी भी मतलब कि बाय एनीवन कोई भी इसमें एस्टैब्लिश कर सकता है, कोई भी इसमें अपने मैसेज देना चाहता है वो दे सकता है इसमें, या फिर उसमें जो भी जिनको भी अपनी एक नॉलेज है वो भी इसमें क्या था रिक्यूट कर सकते हैं अपने नॉलेज के बारे में. आप बाय न्यूज ग्रुप क्या होता है, दिस इंक्लूड द डिस्कशन ऑन कॉमर्शियल यूजेस, मीन्स ये केवल ये जो होता है आपका केवल कॉमर्शियल यूजेस के लिए इसका यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, फिर आप चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्लॉग. अब ब्लॉग्स क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम ब्लॉग्स की बात करेंगे तो ब्लॉग इज अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सन जर्नल और डायरी. मीन्स एक तरह से आपकी क्या होती है ऑनलाइन जो कि पर्सनल डायरी होती है, ठीक है, जो कि एक फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीजें अगर हमें कोई चीज अपडेट करना हो या कोई न्यूज देना हो या कोई थॉट देना हो या किसी के बारे में कुछ कहना हो तो हम एक छोटे से थॉट के रूप में एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में हम उसे शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सब इसमें हम एक तरह से डायरी के रूप में हम इसका यूज करते हैं. जैसे हमने कोई भी छोटा सा चीज लिखा डायरी नोट कर लेते हैं, सेम उसमें हम इस वक्त कोई थॉट किसी बारे में कमेंट करना हो तो वो सब हम ब्लॉग में हम जाकर कर सकते हैं. इट इज अ प्लेस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू इन दी वर्ल्ड, मीन्स यह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कि आप वर्ल्ड के बारे में या किसी के पर्सन के बारे में आप वहां पर बता सकते हो या योरसेल्फ अपने बारे में भी बता सकते हो. अ प्लेस टू शेयर योर थॉट्स एंड योर पैशन, जैसे भी मैंने बताया ये जो प्लेस होता है जिसमें आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, अपने पैशन के बारे में बता सकते हो. अ ब्लॉग इज योर ऑन वेबसाइट, या एक तरह से अपना एक वेबसाइट होता है ब्लॉग्स का, दैट यू आर गोइंग टू अपडेट ऑन द गोइंग ऑन गोइंग बेसिस, जिसमें आप जाकर के क्या करते हो ब्लॉग्स को अपडेट करते हो. एंड ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड वेब ब्लॉग, इसको ब्लॉग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में वेब ब्लॉग भी कहते हैं. ब्लॉग जो वेबसाइट होती है वो ब्लॉगिंग नेटवर्क के थ्रू आपकी चलती है, जिसमें पैरालैप्स भी होते हैं और जो कि आपको कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को भी मैनेज कर सकते हो, उसमें आप थॉट्स दे सकते हो, टॉपिक रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दे तो वो भी कर सकते हो. तो इसके लिए पहले आपको ब्लॉग से अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो जो इसकी वेबसाइट होती है वो होती है आपकी www.blogging.blogging.networks.com या फिर blogger.com होता है. आप इस साइट के थ्रू आप जा करके अपने ब्लॉग के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आपको जो भी थॉट्स अपनी रखनी हो वो सब आप थॉट्स अपने आप दे सकते हो. तो इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं भाई, अगर कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी तो होगा ही होगा इसका. तो हम चलते पहले एडवांटेज डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ ब्लॉग, ब्लॉग साइट्स कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोसीजर.
जो आप ब्लॉग साइट्स होती है जो कि डेवलप होती है, वो एक सिंपल प्रोसीजर के साथ आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। अब ब्लॉग पोस्ट गोज पब्लिक, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी एक्सेस एंड रीड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन हु हैज एन एक्सेस टू इंटरनेट। मींस ब्लॉग क्या होता है, एक पोस्ट होता है, पब्लिकली होता है, जहां पर भी आप कोई भी थॉट्स आप अगर शेयर करते हो, सेंड करते हो कोई भी, तो वो क्या होता है, हर एक पर्सन को दिखता है जो भी इंटरनेट को एक्सेस करता है या ब्लॉग का यूज करता है। द यूजेस ऑफ अ ब्लॉग इज वेरी कन्वीनियंट एंड पीपल टेंड टू यूज देम मोर फ्रीक्वेंटली। ब्लॉग में क्या होता है कि आप आसानी से किसी से भी, अगर आप कोई भी टॉपिक विजिट कन्विंस करना हो, किसी को कमेंट करना हो, वो सब आप कर सकते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करना चाहते हो वो भी सब आप आसानी से फ्रीक्वेंटली आप कर सकते हो। स्टूडेंट टेंड टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स, ब्लॉग आर्टिकल शुड बी रिस्पॉन्सिबल गुड इनफ एंड फ्री फ्रॉम अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। मीन्स स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे बड़ा अच्छा होता है कि जिसमें कि वो अपने मतलब इंग्लिश स्पीकिंग को भी मतलब वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश वर्ड में जो लिखते हैं, ठीक है, अगर उनकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो वो भी चीज उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट्स जो होता है इसमें जो इसका यूज करते हैं वो सबसे पहली बात तो इसमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं मोस्टली, विच हेल्प देम टू इन ऑल देयर फ्यूचर्स, ठीक है, ये क्या होता है कि इसके फ्यूचर्स भी हेल्प भी करता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं मतलब है, इसका यूज हम ब्लॉग्स में हम कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अपडेट एंड पोस्ट एंड एंट्री ऑन द ब्लॉग साइट। मीन्स आपको ये कई सारे इसमें टाइम आपको लगते हैं, जब आप कोई भी चीज अपडेट करते हो या ब्लॉग साइट पे एंट्री करते हो तो आपको ये टाइम टेकन होता है, टाइम वेस्ट भी करता है आपका। रेगुलर राइटिंग में गिव राइज टू स्लैंग्स एंड स्लॉपी वे ऑफ राइटिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग डेली की डेली उसी टाइप करें, आप चेंजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चेंज आप अपने टॉपिक रखना चाहते हो, ठीक है। स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर यूजेस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उसमें आपकी जो भी लैंग्वेज आप प्रॉपर यूज करते हो उसको स्पॉयल भी कर देता है ये। ऑन मेजर ड्रॉबैक इज दैट नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड ऑन ब्लॉग साइट। इसकी जो मेजर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या ड्रॉबैक जो होता है कि इसमें हर एक चीजें आप शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस साइट पे। हेंस इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर एवरीवन, क्योंकि ये हर एक के लिए यूजफुल नहीं है। इंडिविजुअल एंड स्टूडेंट्स मे हैव रिलक्टेंस इन गेटिंग यूज टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। मीन्स जो स्टूडेंट होते हैं वो जो भी आप इंडिविजुअल यूज करते हैं वो सब क्या करते हैं, आप एडवांस जो भी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उनको एडवांस वर्जन मतलब चाहते हो कि उसमें हम एडवांस बन जाए और उसमें हम क्यों ना क्यों न्यू न्यू टॉपिक रखें और उसका मिस यूज मतलब हर एक के थॉट्स को देखें क्या कह रहा है कौन कह रहा है उससे कमेंट करें और उसका मिस यूज भी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। ये सब आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे आपके ब्लॉग्स में। तो ओके स्टूडेंट, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर इसके आगे हम देखेंगे ई लर्निंग, ई शॉपिंग और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आज से इतना ही रख रहे हैं हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।